नमस्कार दोस्तों, फैंस के लिए अपने पसंदीदा बॉलीवुड सितारों के जीवन से जुड़ा हर किस्सा बेहद खास रहता है, क्योंकि वो उन्हें अपना आइडल मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पर्दे पर इन सितारों की कहानी भले ही सही ट्रैक पर हो, पर निजी जीवन में कभी कभी बिल्कुल उलट होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड के उन बड़े कलाकारों के बारे में जिन्होंने शादी के बाद भी अफेयर करे हैं और इस वजह से उनकी काफ़ी किरकिरी भी हुई है। जया, अमिताभ, रेखा। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं अमिताभ बच्चन, जिनकी पर्दे पर और पूरे बॉलीवुड में बेहद सम्मानजनक इमेज बनी रही है, पर इनका नाम भी विवाह के बाद भी अफेयर में काफ़ी उछला। कहा जाता है कि जैसे शादी के बाद भी अमिताभ रेखा से काफ़ी करीब रहे हैं। सुनीता गोविंदा रानी। गोविंदा ने अपने कैरियर की शुरुआती दिनों में सुनीता से शादी कर ली थी, पर उनका कथित तौर पर रानी मुखर्जी के साथ अफेयर रहा। परिवार पर प्रभाव पड़ने की वजह से गोविंदा ने रानी से दूरी बना ली। अरबाज, मलाइका अर्जुन का शादीशुदा जीवन ठीक चल रहा था, पर जब मलाइका की लाइफ में अर्जुन कपूर की एंट्री नहीं हुई थी, माना जाता है कि अरबाज और मलाइका के तलाक की मुख्य वजह मलाइका और अर्जुन कपूर का अफेयर ही था। अधूना फरहान अदिति राव। फरहान अख्तर ने खुद से उम्र में काफ़ी बड़ी अधूना से काफ़ी पहले शादी की थी, पर इनके बीच अब तलाक हो चुका है। माना जाता है कि फरहान अख्तर और अदिति राव हैदरी की बढ़ती नज़दीकियों की वजह से अनुधा ने फरहान से तलाक लेने का फैसला किया। ट्विंकल, अक्षय, प्रियंका। अक्षय भले ही बॉलीवुड के बेस्ट हस्बैंड माने जाते हों, पर इनके और इनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना के बीच उस वक्त काफ़ी टेंशन हो गया था जब अक्षय और प्रियंका की जोड़ी पर्दे पर सफल हो रही थी और दोनों के बीच नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी। ट्विंकल ने फौरन अक्षय को प्रियंका से दूर रहने की हिदायत दी और तब से अक्षय ने प्रियंका के साथ न कोई फिल्म की है और न ही कोई खास रिश्ता रखा है।